आज का वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना, जस्ट रैंडम निकले हैं बाहर। एक्चुअली रैंडम नहीं, रीज़न भी है, मैं कोचिंग अपने आया हुआ था, सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर ले। एक्सपल्स कौन सा वाला यार, 4V एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्सपल्स का लेकिन लुक अच्छा है। Am I audible? I hope I am audible. Random एक ride है छोटा सा, just to test my mic. अगर audio अच्छा आया होगा तो upload कर देंगे channel पे. By the way, थोड़ा खुद के बारे में update देना है. I'm not interested यार, सुनना ही नहीं है. From 15th of Jan, I guess. 15 Jan से अब तक, till now, I have some health issues. कुछ health issues चल रहे हैं. तबीयत ठीक नहीं रह रही है एंड बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ करने में, चाहे वो मोटो व्लॉगिंग हो, चाहे वो बाइकिंग हो। एंड दो बार मैंने ट्राई भी किया था वीडियो बनाने का, तो दोनों बार मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक रीज़न और भी है, वो है माइक। माइक बहुत दिक्कत दे रहा है, बिकॉज़ पहले जो मैंने जो भी 7-8 वीडियोज़ बनाए हुए हैं ना, उसमें मैंने यही वाला माइक यूज़ करा हुआ है, तो उस वक्त इसने कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। बट अभी क्या है ना, दो वीडियोस जो मैंने बनाए हुए, जो कि मैं नहीं अपलोड करने वाला, ऑब्वियस रीजंस, ऑडियो अच्छी नहीं आई है, इसीलिए नहीं अपलोड करने वाला उन वीडियोस को। तो हो क्या रहा है ना एक्चुअली में, कि जो मेरा माइक है वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि मैंने दो वीडियोज़ बनाए था, दो कॉन्टेंट मैंने बनाया, शूट करा, बट उसमें कोई भी वॉइस नहीं आया। मतलब आया क्या, वॉइस नहीं आया, विंड नॉइस बहुत ज़्यादा आया। मैं अपने कोचिंग में था ना, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला कि चलो भाई कुछ रिकॉर्ड करके इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रीअसेंबल पूरा किया मैंने माइक का, जो सेटअप है पूरा रीअसेंबल करके वापस से सेटअप करा हुआ है, दूसरे पोजीशन में इसको सेटअप किया है। आई थिंक आई नीड टू स्विच द माइक। 4000 RPM पे ये वापस से डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है, विंड ब्लास्ट आ रहा है इस पर। एंड भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट कंट्रोल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आई एम स्टिल नॉट माई 100%, बट ठीक है यार, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं लाइफ में, वही अप्स, कभी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है, कभी बिल्कुल भी कोई चीज़ें काम नहीं करने वाली। अभी माइक भी काम नहीं कर रहा है, अभी माइक का भी जो मसला है उसको सॉर्ट करना होगा। क्या चला रहा है भाई वो, क्या तकलीफ है इनको। A few moments later, मुझे माइंड का विंड ब्लास्ट चेक करना था। यहाँ तो मतलब रोड पे स्पेस ही नहीं है, क्या चेक करेंगे यार। ओके, तो मुझे बताना था कि लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ना, अबाउट इंजन ऑयल लीकिंग एंड हीटिंग इशू, से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, जो कि बहुत सही चीज़ है। एंड मैंने अपने वीडियो के पैटर्न से एक चीज़ नोटिस करा है, जो भी मैंने 7-8 वीडियोस जो भी अपलोड करे हैं ना, उसके पैटर्न से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि आप लोग ना हॉर्नेट 2.0 के टॉपिक्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, विच इज़ गुड फॉर द चैनल, गुड फॉर मी। बट क्या है ना कि मेरा जो चैनल है क्रोमवाइजर, इट्स नॉट गोना ओनली रिवॉल्व अराउंड हॉर्नेट 2.0। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, बहुत सारी चीज़ें को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आप लोग को दिखाना है, बिकॉज बाइकिंग कम्युनिटी में आजकल जो भी चुतियाप चल रहा है ना, आप लोग को पता ही होगा। नहीं, वो सब तो मेरे चैनल पे नहीं होने वाला। आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट, एज ऑथेंटिक, एज जेन्युइन एज आई कुड। जो भी चीज़ें होने वाली है बिल्कुल सिंपल होने वाली है। एक आम कम्यूटर, एक आम बंदा डेली लाइफ में क्या देख रहा है रोड पे, क्या फेस कर रहा है, क्या परेशानियाँ फेस कर रहा है, क्या मोमेंट्स वो अपनी आंखों से देख रहा है, वो सब चीज़ें अपने कैमरा के थ्रू आपसे शेयर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो उससे मेरा क्या फायदा। कि आप लोग हॉर्नेट के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, विच इज़ नॉट बैड, वो तो ठीक है। बट मैंने क्या चीज़ सोचा है ना, कि काम करते हैं, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, कमेंट ज़रूर से करना भाई कुछ भी। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग हॉर्नेट 2.0, कोई भी रैंडम क्वेश्चन है रिगार्डिंग हॉर्नेट 2.0 या फिर कोई भी बाइक को लेकर के, तो जस्ट कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। ज़रूरी नहीं कि वो हॉर्नेट के रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए,
किसी भी बाइक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है ना आपका, जस्ट आस्क इन द कॉमेंट, आई ट्राई टू आंसर देम, एंड मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा आपके क्वेश्चन को, बिकॉज कॉमेंट बॉक्स में आंसर करना एंड वीडियो बना के आंसर करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो भी आप पूछ रहे होगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, उसको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल पाऊँगा, एनालाइज करके प्रॉपर वे में एक जेन्युइन आंसर दूंगा। तो जस्ट आस्क व्हाट एवर यू वांट रिगार्डिंग हॉर्नेट 2.2 और एनी अदर टू व्हीलर, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो रेड सिग्नल, अभी रेड है, पहली मोहब्बत, ये अपनी पहली मोहब्बत थी। अपाचे 160 स्पेशल एडिशन अपनी पहली मोहब्बत थी, बट हॉर्नेट अपनी आखिरी मोहब्बत है। थोड़ा सा ड्रामेटिक हो गया, साइड में ला के देख लेते हैं घड़ी, बकायती हुआ है कुछ, कभी कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है कि नहीं हुआ है। One eternity later. Fortunately, audio ठीक ठाक रिकॉर्ड हो गया, तो आपको मेरे आवाज थोड़ा लग भी रहा होगा कि I was not that well. मैं थोड़ा grumpy sound कर रहा हूँ, तो just bear my voice. Content तो बनाना ही है ना यार, कब तक पड़े रहेंगे घर में। नई गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो just ask whatever you want to ask about Hornet 2.0 या फिर कोई भी और गाड़ी, comment में पूछना। एक जेन्युइन एक सेंसिबल क्वेश्चन अगर होगा तो उसको मैं वीडियो में ऐड करूंगा एंड उसका एक प्रॉपर आंसर देंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा अब तक तो क्या कर रहे हो यार, जाके लास्ट वीडियो देखो, बहुत मेहनत करी है उसमें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फोक्स, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करा, जैसे एक रैंडम वीडियो था। पूछिए जो पूछना है आपको हॉर्नेट के बारे में, जो भी क्वेरी है, जो भी मिसकंसेप्शन दिमाग में चल रहे हैं, जस्ट आस्क। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो फोक्स, दिस इज क्रोम वाइजर साइनिंग ऑफ। Hope to see you in the next video. Thank you. Biking community में आजकल उल्टी सीधी चीज माइंडिंग biking community में आज जोक, आजकल जो भी कहना क्या चाहते हो, तुमसे ना हो पाएगा।